चुनाव से पहले एक बार फिर चले जुबानी तीर, डिप्टी सीएम को किसने बताया बुद्धिहीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। आगामी लोकसभा चुनाव में अब काफी कम समय रह गया है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के सभी बड़े राजनीतिक दल अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने इटावा पहुंचे, जहां पर मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दे डाला। दरअसल इटावा में मीडिया से बात करते हुए रामगोपाल यादव ने एक और सपा नेता आजम खान को लेकर कहा कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आजम खान के एनकाउंटर होने की भी संभावना व्यक्त कर दी। इसी बीच मीडिया के एक सवाल पर बोलते हुए उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बुद्धिहीन तक बता दिया। दरअसल जब रामगोपाल यादव से पूछा गया कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2024 में वोट डालना कुएं में वोट डालने के बराबर है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि जो बुद्धिहीन होते हैं वह इसी तरह की बात करते हैं। वहीं उन्होंने इस दौरान राज्य में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी में सभी एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ इतना अन्याय हुआ जितना किसी दूसरे नेता के साथ नहीं हुआ है। इस दौरान सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर आजम खान का किसी भी दशा में एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद जो होगा उसकी कल्पना पूरा देश नहीं कर सकता। रामगोपाल यादव ने इस दौरान यूपी के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।